नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपका मेरी किचन में स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू मखाने की सब्जी। पहले हम प्याज लेंगे। ये मैंने 5 प्याज ले ली है। इसे मैं मोटी मोटी काटूंगी इसे, क्योंकि हमें अभी मिक्सी में इसको पीसना है, तो हम इसको मोटा मोटा काटेंगे। चलो दोस्तों काटते हैं। इसे मैं अच्छे से काट लूँगी। आप पतला भी काट सकते हो। मोटा इसलिए काटना है क्योंकि अभी मिक्सी में जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मोटा काटो चाहे पतला काटो। ये मेरी सारी प्याज कट चुकी है। अब इसे हम एक जार में डालेंगे। इसे मैं अच्छे से जार में डालूँगी। देख सकते हो आप दोस्तों, मैंने सारी जार में डाल के पीस दी है। इसका थिक पेस्ट बना लेंगे मिक्सी में। एकदम अच्छे से निकल नहीं रहा है, ये मैंने निकाल दिया है अच्छे से। अब हम बड़े बड़े टमाटर्स ले लेंगे। टमाटर हमने ले लिए हैं, अब हम इसको भी काटेंगे। आप छोटे भी काट सकते हो, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, बड़े भी काट सकते हो। ये मैंने काफ़ी बड़े बड़े टमाटर काट लिए हैं। इसको भी हम मिक्सी में अच्छे से पीस लेंगे। चलो दोस्तों टमाटर काटते हैं। अब देख सकते हो मैं ये ऊपर पार्ट अच्छा नहीं होता, ये साइड में निकाल के रख दिया है और बड़े बड़े टमाटर कटिंग कर दिए हैं। अब इसमें मैं मिक्सी में पीसने जा रही हूँ। इसमें 3 से 4 हरी मिर्च डालेंगे अपने स्वाद अनुसार। अब मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। काफ़ी अच्छा पेस्ट बन के तैयार है। ये लहसुन और अदरक मैंने पहले ही कटिंग करके रखे हुए थे। अब हम इसका भी अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। दोस्तों मैं बाहर का अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ नहीं करती, अपना होममेड बनाइए, काफ़ी अच्छा बनता है। अब ये मैंने 4 आलू ले लिए हैं बड़े साइज़ के। अब हम इसको अच्छे से छीलेंगे। देखिए दोस्तों मैंने ये आलू अच्छे से छील लिए हैं। अभी ये सारे के सारे वॉश करेंगे हम इस सारे आलूओं को। देखिए दोस्तों एकदम अच्छे से, ज़्यादा मोटे नहीं होने चाहिए, ज़्यादा पतले नहीं होने चाहिए। मीडियम साइज़ के आलू मैंने काट के धो के रख दिए हैं। अब हम एक पैन में घी लेंगे, देसी घी लिया है मैंने दोस्तों। अब हम मखाने लेंगे। अब हम मखाने को अच्छे से भून लेंगे। अब इसे अच्छे से चलाएंगे हम। अब इन्हें चलाएंगे जब तक ये हल्के गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। दोस्तों आप देख सकते हो इन्हें बीच बीच में चलाना है क्योंकि ये नीचे ना लग जाए। मीडियम गैस पे इन्हें चलाने हैं, तेज गैस पे जल जाएंगे ये। देखिए दोस्तों इन्हें चलाते रहना है लगातार। अब हमारे मखाने हो चुके हैं, मैंने ये मखाने निकाल चुके हैं, एक प्लेट में मैंने निकाल लिए हैं मखाने। अब हम घी डालेंगे दोबारा और हम आलू फ्राई करेंगे। हल्के आलू फ्राई कर लेंगे क्योंकि वो आलू हम इसलिए फ्राई करेंगे दोस्तों क्योंकि वो कच्चा ना रहे। हल्के हल्के आलू फ्राई करेंगे। ये सब्जी बहुत स्वाद बनती है, प्लीज़ आप सब लोग ट्राई ज़रूर करना। देखो ये आलू भी चलाने हैं हमें लगातार क्योंकि नीचे ना लग जाएं।
ये आलू चला लिए मैंने दोस्तों, हमारे आलू हो चुके हैं, अब इसे भी एक प्लेट में रख लेंगे। ये हल्के गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, मैंने जब निकाले हैं देख सकते हो आप कितने अच्छे हल्के गोल्डन ब्राउन हो गए। अब हम थोड़े से काजू घी में फ्राई करेंगे, काजू ऑप्शनल है, आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। बहुत ही अच्छे से मैं ये भूनूंगी काजुओं को। देखिए दोस्तों हमारे काजू हो चुके हैं, अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूंगी। अब हम इसी तेल इसी घी में जीरा डालेंगे। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है मैंने, अब इसको अच्छे से चलाएंगे। अब मैंने प्याज का पेस्ट डाल दिया है, अब प्याज को चलाते रहेंगे दोस्तों जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। प्याज जिसे कांदा भी बोलते हैं दोस्तों, अब इसे अच्छे से चलाएंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। इसे मीडियम गैस पे रखेंगे, ना धीमी ना तेज, एकदम मीडियम गैस पे रखेंगे। अब इसे अच्छे से चलाएंगे। देखिए दोस्तों गोल्डन ब्राउन मेरी प्याज हो चुकी है, इसे अच्छे से चला रहे हैं। हमारी एकदम गोल्डन ब्राउन हो चुकी है प्याज, अब इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे हम। ये दही ली है मैंने दोस्तों, 4 बड़ी चम्मच दही ली है। अब हम इसमें थोड़ी सी रेड चिल्ली डालेंगे, अब थोड़ी हल्दी डालेंगे जिसे आप टर्मरिक भी बोल सकते हो। अब जो हमने टमाटर पीस के रखे थे अब वो टमाटर डालेंगे, इसको अच्छे से चलाएंगे। अब मैंने 4 बड़ी चम्मच जो दही निकाली हुई थी दोस्तों वो डाली है, अब इसको अच्छे से चलाते रहेंगे। देखिए दोस्तों सब्जी में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है दोस्तों, इसे अच्छे से चलाएंगे। देखो दोस्तों मैं एक ही साइड में चला रही हूँ, अच्छे से चलाएंगे। अब इसमें मैंने वो रेड कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी थी, अब ये मैंने चटपटी सब्जी करने के लिए होममेड मिर्च डाली है, रेड जिसे कहते हैं। अब सॉल्ट डाला है मैंने अपने स्वाद अनुसार। इसको फिर चलाएंगे। देखिए दोस्तों अब हमारी सब्जी इस स्टेज पे पहुंच जाएगी, देखो कितने अच्छे से हो चुकी है सब्जी। अब इसमें इस स्टेज पे पहुंचने के बाद हम इसमें गरम बॉइल्ड पानी मैंने पहले ही कर चुका था वो डालेंगे। अब इस पानी में हम मखाने, आलू, काजू जो हमने पहले से ही सब भून के रखे हुए थे वो सारे डालेंगे। अब इसे अच्छे से चलाएंगे। अब मैंने इसको ढक दिया है, अब इसमें जब तक खदका आएगा, जब तक ये सब्ज़ी अच्छे से खदक जाएगी फिर ये हम गैस बंद कर देंगे। देखिए दोस्तों मेरी सब्जी तैयार है, बहुत स्वाद बनी है खाने में। आप सब लोग खाना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना। थैंक यू सो मच।